नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस घरेलू खबर चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें दोस्तों आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि श्रावण मास का या श्रावण मास में हमें वो कौन से काम करना चाहिए जिससे कि हमें पुण्य विशेष पुण्य की प्राप्ति हो विशेष फल की प्राप्ति हो हमेशा लाभ ही लाभ मिले जिंदगी में कोई कष्ट नहीं हो जिंदगी खुशहाली से बीते तो 17 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हुई थी सावन माह में कुल चार सोमवार पड़े थे तीन सोमवार समाप्त हो गए हैं चौथा सोमवार हमारा 12 अगस्त को पड़ेगा और वे यह अंतिम सोमवार होगा ऐसे में भक्तों के पास भोलेनाथ को खुश करने के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं तो श्रावण के अंतिम सोमवार पे क्यों न हम कुछ ऐसे काम करें जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे और हमारे परिवार पे पूरी जिंदगी पड़े उसका फल पुण्य सब प्राप्त हो हमें कुछ ऐसे काम करें तो वो कौन से काम हमें सावन मास के अंतिम सोमवार मीन्स 12 अगस्त को करना है इसका डिटेल्स मैं दूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस घरेलू खबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई लोग सावन सोमवार के दिन उपवास रखते हैं हम और आप सभी लोग सावन का सोमवार व्रत करते हैं ऐसे में यदि शिवजी के भक्तों को इस दिन साबुदाने की खिचड़ी या कोई अन्य प्रसाद जो आप अपने व्रत के लिए बना रहे हो वो व्रत अगर किसी शिव भक्त को बटवा दे तो आपको काफी पुण्य लगेगा दूसरा काम है इस दिन आप सीव जी का नाम लेते हुए उन्हें अपनी सेवा भी अवश्य दें। इसके लिए आप किसी भी शिव मंदिर का चुनाव कर सकते हैं वहां आप अपनी कोई भी सेवा जैसे साफ सफाई में मदद अरेंजमेंट संभालना पैसों की सहायता इत्यादि करते इससे आपको शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और बदले में इसका मीठा फल भी आपको मिलेगा तीसरी चीज है दान सावन के अंतिम सोमवार दान धर्म का विशेष महत्व होता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान करता है शिव जी उसको दस गुना देते हैं उससे जीवन भर पैसों की कमी महसूस नहीं होती इस दिन पीले वस्त्र चांदी सोना तांबा पीतल गेहूं और चावल दान जो आपकी क्षमता है जिस तरह की आपकी क्षमता है उस तरह का आप दान करें आपको विशेष महत्व प्राप्त होगा चौथा काम है गाय को पेट भर के भोजन कराना नंदी जी शिव जी के सिर्फ वाहन ही नहीं है बल्कि उन्हें काफ़ी प्रिय भी हैं सावन के पूरे महीने में गौ सेवा करना भी लाभकारी होता है खासकर यदि आप अंतिम सोमवार गाय को भर पेट भोजन करवा देते हैं तो शिव जी आपसे बहुत खुश होते हैं इसके इससे आपके घर की बरक्क़त भी हमेशा बनी रहती है पांचवा काम है संकल्प लेना सावन के आखिरी सोमवार को आप शिव जी को साक्षी मानकर कोई भी संकल्प ले सकते हैं ये संकल्प किसी भी अच्छी चीज़ से जुड़ा हो सकता है जैसे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा सच्चाई का साथ दूंगा शाकाहारी बन जाऊंगा मदरिया या अन्य नशा छोड़ दूंगा इत्यादि किसी भी अच्छे काम को लेकर आप ये संकल्प लें और इसे पूरी लगन के साथ निभाएं भी आप चाहे तो समाज के हित में भी कोई संकल्प ले सकते हैं तो दोस्तों सावन का अंतिम सोमवार जो 12 अगस्त को है उस दिन आप ये पांच काम अवश्य करें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी जीवन में कोई भी काम में रुकावट नहीं होगी घर है सो धन्य धान से भरा रहेगा तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स